अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ अवर 112th लेक्चर ऑफ साइंस। प्लीज़ ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 20। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द डेट 9th अप्रैल 2021 एंड द डे इज़ फ्राइडे। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज टुडे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन अवर होम्स। आपके घरों में कौन कौन सा एनिमल या मिल सकता है, उस पर आपने टिक लगाना है। नंबर ए इज़ फ्लाई, नंबर बी इज़ ऑस्ट्रिच, नंबर सी इज़ व्हेल, नंबर डी इज़ लाइन। तो घर के अंदर तो फ्लाई मिल सकती है, ये बाकी के नहीं, आप फ्लाई के ऊपर टिक मार्क करेंगे। नंबर टू इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव्स फार अवे फ्रॉम सिटीज़। जो शहरों से दूर एनिमल्स रहते हैं उनके ऊपर आपने टिक करना है। नंबर ए इज़ पेट, नंबर बी इज़ वाइल्ड, नंबर सी इज़ फार्म, नंबर डी इज़ बर्ड्स। तो शहरों से दूर एनिमल्स जो हैं वो कौन से होते हैं, वाइल्ड यानी के जंगली जानवर। नंबर थ्री इज़ बर्ड्स फ्लाई विद देयर डैश। बर्ड्स परिंदे कैसे उड़ते हैं, नंबर ए इज़ लेग्स, नंबर बी इज़ विंग्स, नंबर सी इज़ टेल्स, नंबर डी इज़ फीट। तो इसका करेक्ट आंसर है विंग्स। नंबर फोर इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ नॉट अ फार्म एनिमल। इसमें से फार्म एनिमल कौन सा नहीं है, नंबर ए इज़ हॉर्स, नंबर बी इज़ काओ, नंबर सी इज़ मंकी, नंबर डी इज़ हैन। तो यहाँ पर मंकी जो है स्टूडेंट्स हो गया है, ये फार्म एनिमल नहीं है, ये फॉरेस्ट में रहता है, जंगल में रहता है, तो आप इसको टिक करेंगे। नंबर फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर एनिमल। पानी वाला जानवर इसमें से कौन सा नहीं है, नंबर वन इज़ क्रैब, नंबर टू इज़ स्टार फिश, नंबर सी इज़ लेडी बर्ड, नंबर डी इज़ शार्क। ये तमाम एनिमल्स जो हैं ये पानी में रहते हैं, लेडी बर्ड जो है ये पानी में नहीं रहती, आप इन सब पे टिक मार्क करेंगे। ना कम ऑन पेज नंबर 21। स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 21 मैच द फार्म एनिमल्स टू द वर्क इट डज। आपने फार्म एनिमल्स को उसके काम के साथ मैच करना है। नंबर वन इज़ कैमल। कैमल क्या करता है, लेस एग, पुल्स अ कार्ट, गिव अस मीट और कैरी अ हैवी लोड्स। तो कैमल हैवी लोड जो है उसको कैरी करता है, आप कैमल को इसके साथ मैच करेंगे। नंबर टू इज़ हैन। तो स्टूडेंट्स हैन क्या करती है, इट लेस एग्स, आप इसके साथ इसको मैच करेंगे। नंबर थ्री इज़ हॉर्स। हॉर्स क्या करता है, इट पुल्स अ कार्ट, यानी कि वो कार्ट घोड़ा गाड़ी जिसकी मदद से चलती है, तो आप इसको इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट इज़ काओ। काओ क्या करती है, काओ गिव्स अस मिल्क, आप इसको इसके साथ मैच करेंगे। लास्ट वन क्या है स्टूडेंट्स, गोट। गोट क्या करती है, इट गिव अस मीट, आप इसको इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, नेम द होम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। आपने इन एनिमल्स के घरों के नाम बताने हैं। बर्ड्स कहाँ रहती हैं डियर स्टूडेंट्स, इन नेस्ट, स्पेलिंग काइंडली ठीक लिखिएगा। रैबिट, बरो, डॉग, कैनल, स्पाइडर, वेब, बीज, हाइव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द नेम्स ऑफ द इंसेक्ट्स एंड कलर देम। फर्स्ट इंसेक्ट आपको नजर आ रहा है, दैट इज एंट, ए एन टी एंट। सेकेंड इज बटरफ्लाई, बी यू डबल टी ई आर बटर एफ एल वाई फ्लाई। नेक्स्ट इज लेडी बर्ड, आपने इनको मैंने लिखना भी है और इसके साथ साथ इसमें कलर भी करने हैं। कम ऑन पेज नंबर 22 डियर स्टूडेंट्स। पेज नंबर 22 पे सॉरी आपका क्वेश्चन है, राइट द नेम्स। आपने वाटर एनिमल्स के और वाइल्ड एनिमल्स के नेम लिखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही नेम्स लिखेंगे, आप कोई और भी नेम्स जो हैं वाटर एनिमल्स में लिख सकते हैं। क्रैब, शार्क एंड स्टारफिश, ये वो नेम्स हैं जो आपने अपनी बुक पे अपने लेसन में रीड किए हैं, तो इसलिए हमने ये वाले नेम्स लिखे हैं। वाइल्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो जंगल में रहते हैं, टाइगर, डियर, मंकी। स्टूडेंट्स आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक्स पर कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।